इंग्लिश में एक कहावत है, नॉर्मल सर्विसेज हैव रिज्यूम्ड, मतलब ये कि जो चीजें आमतौर पर होती हैं वो फिर होने लगी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में एक बार फिर वही हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत की है। इस मैच में एक और चीज देखने को मिली, विराट की बैटिंग जो एक बार फिर पाकिस्तान को चेक कर गई। पर इस मैच में पाकिस्तान ने एक ऐसी चीटिंग की जो सबसे मिस हो गई। मैच का आखिरी ओवर, पाकिस्तान को ये ओवर मोहम्मद नवाज को देना ही था। इंडिया के लिए क्रीज पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पर शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। उनके बाद दिनेश कार्तिक आए। ओवर की तीसरी बॉल पर विराट ने छक्का मारा, बॉल कमर के ऊपर थी तो विराट ने मांगा और एम्पायर ने नो बॉल दे दिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स यही एम्पायर से तू तू मैं मैं करने लगे। खैर, पारी के सेकंड लास्ट बॉल, इंडिया को एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे दिनेश कार्तिक, नवाज ने लेग स्टंप पर बॉल डाली, बॉल कार्तिक से टकराकर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की ओर चली गई। रिजवान ने बॉल पकड़ी और विकेट्स में लड़ा दी, कार्तिक को आउट करा दे दिया गया। लेकिन एम्पायर ने ये नहीं देखा कि रिजवान ने बॉल को विकेट के आगे ही पकड़ लिया था। क्रिकेट के नियम साफ कहते हैं कि विकेट कीपर को बॉल को स्टंप के पार जाने देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी बल्लेबाज को स्टंप आउट कर सकता है। यानी इस हिसाब से पाकिस्तानी टीम ने ये विकेट बेईमानी से हासिल किया। हालांकि इस विकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार्तिक की जगह बैटिंग करने आए रवि अश्विन ने चौका जड़ इंडिया को मैच जिता दिया। मैच की बात करें तो इंडिया ने टॉस जीता और रोहित शर्मा ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों को पावर प्ले में ही चलता कर दिया। इसके बाद शान मसूद, इफ्तिकार अहमद ने 76 रन की पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान को 90 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने एक कैमियो खेल इंडिया को 160 रन का टारगेट दिया। जवाब में इंडिया के भी ओपनर्स नहीं चले, हारिस रऊफ ने रोहित को और नसीम शाह ने केएल राहुल को चलता किया। सूर्य कुमार यादव 15 और अक्षर पटेल ने 2 रन बनाए। इसके बाद विराट का साथ हार्दिक पांड्या ने निभाया। हार्दिक ने 37 बॉल में 40 रन ठोके और विराट का साथ निभाया। विराट ने 53 बॉल में 82 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के थे। हारिस रऊफ के 19वें ओवर की आखिरी 2 बॉल पर 2 छक्के क्रिकेट फैंस के दिमाग में छप गए होंगे। इंडिया ने आखिरी बॉल पर मैच जीत लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, इस वीडियो को शूट किया है जेरी ने, और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।